हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपने केक पर काम कर रही थी एज़ यूजुअल, सोचा आपसे कोई एक अच्छी बात शेयर करूं। और आजकल के दौर में जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है, मैं अपने आसपास में लोगों को देखती हूं, लोगों के पास वक्त नहीं है। हर कोई अपनी अपनी दौड़ में भाग रहा है, हर कोई मसरूफ़ है। तो कोशिश किया करें, मसरूफियत सब अपनी जगह। और जो जिन लोगों को मैं देखती हूँ जो जॉब्स वगैरह और बाहर के मामलों से फ्री होते हैं, उनको जो फारिग टाइम मिलता है उसमें वो अपने गैजेट्स में मसरूफ़ हो जाते हैं। कोई मोबाइल में अपनी मसरूफियत ले रहा होता है, कोई लैपटॉप्स में अपनी मसरूफियत निकाल रहा होता है। तो कोशिश किया करें अपनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को वक्त दिया करें, क्योंकि वक्त देना, उनकी बात सुनना, उनसे बातें शेयर करना बहुत बड़ी नेकी है। और वक्त देना मतलब एक तरीके से उनके दिल के हालात आपको पता चल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश किया करें अपनी मसरूफियत के टाइमिंग्स में से जो है वक्त निकाल कर अपनी फैमिली को, अपनों को, अपने दोस्तों को वक्त दिया करें, क्योंकि ये वक्त देना भी जो है वो बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, क्योंकि मसरूफियत तो देखें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। मसरूफियत, हर इंसान मसरूफ़ है, किसी के पास वक्त नहीं है किसी को भी देने के लिए, किसी के पास वक्त नहीं है कहीं आने जाने के लिए, या तो टाइम है भी लोगों के पास तो व्हाट्सएप तक महदूद हो गए लोग, कॉल्स पे महदूद हो गए, या अगर कॉल्स पे भी नहीं वक्त दे रहे होते तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देते हैं, एक ऑडियो छोड़ देते हैं। तो कोशिश किया करें फ़िज़िकली लोगों को वक्त दिया करें, जाएं, लोगों को टाइम दें, लोगों के साथ वक्त गुजारें, हंसी मजाक करें, उनकी बातें सुनें, कुछ दो बातें अपनी कहें। तो इससे इंसान, ये भी एक थेरेपी है इंसान का, फ़िज़िकली किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, फ़िज़िकली उनकी बातें सुनना, ये भी आपका एक मेंटली जो है हमारी एक थेरेपी होती है, कि हमारा बड़ा मेंटली हमें सुकून मिलता है जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम आउट करते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, अपने माँ बाप को टाइम देते हैं, अपने बहन भाइयों की जो है वो बात करते हैं, या उनसे हम जो है उनकी बात सुनते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, हमारा मेंटली किस कदर सुकून और हमें कितना हल्कापन महसूस होता है। तो कोशिश किया करें कि अपने बहुत ज़्यादा मसरूफियत वाले वक्त में से अपना एक ख़ास वक्त जो है अपनों को दें, और सिर्फ व्हाट्सएप और मोबाइल तक महदूद ना रह सकें। होपफुली आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपके माइंड में भी कोई बात हुआ करे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।